गत्ता उद्योग संघ ने पेपर के लगातार रेट बढ़ने व चाइना को हो रही पेपर की सप्लाई के विरोध में बद्दी में नारेबाजी की व 3 दिन तक अपना उद्योग बंद करने की बात कही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र व प्रदेश सरकार लघु उद्योगों को बंद करने की कगार पर लेकर आ गई है। स्थानीय उद्योग संचालकों को पेपर नहीं मिल रहा है, लेकिन चाइना जैसे देश को इसे निर्यात किया जा रहा है। गत्ता उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने बताया कि गत्ता उद्योग घाटे में चल रहा है और पिछले 6 महीनों में लगभग 70% पेपर के रेट बढ़े हैं, जबकि वह सिर्फ 15% ही अपने रेट बढ़ा पाए, जिससे कि लगभग 30-40% उद्योग घाटे में चल रहे हैं। अगर सरकार ने इसके ऊपर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो यह सभी गत्ता उद्योगपति व उनके काम करने वाले मजदूर रोड पर आ जाएंगे। पूरे हिमाचल में 350 है वो गत्ता उद्योग है, वो इस हड़ताल में शामिल है। और हमारी सभी से, अपने एंड कस्टमर से यही डिमांड है कि इस उद्योग को बचाया जाए, क्योंकि तो 2 फेज में इन्होंने रेट बढ़ाए हैं। पहले 35% बढ़े थे और अब जो है टोटल जो इंक्रीजिंग हो चुकी है वो 70% की हो चुकी है। और हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, हम यही चाहते हैं कि जो जैसे जैसे हमने बताया कि एक्सपोर्ट बैन किया जाए, पहले स्थानीय इंडस्ट्री को बचाया जाए, उसके बाद ही एक्सपोर्ट किया जाए। ये हमने पिछले सोमवार को, मंगलवार को एक मीटिंग की थी, जिसमें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के सारे प्रतिनिधि हमारे इंडस्ट्री के आए थे। सभी लोगों ने मिलकर तय किया था कि भी सोमवार से बुधवार तक हम लोग अपना काम बंद रखेंगे और कोई डिस्पैच भी नहीं करेंगे और ना ही कोई पेपर की गाड़ी अनलोड करेंगे। तो उसी के तहत सभी उद्यमी, हमारे सभी इंडस्ट्री वाले, गत्ता उद्योग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने तय किया कि हम अपने कस्टमर से बिना प्राइस बढ़ाए कोई उत्पादन जारी नहीं रखेंगे। जब तक हमारे प्राइस नहीं बढ़ जाते तब तक हम कोई ना सप्लाई करेंगे ना ही पेपर की गाड़ी नीचे उतारेंगे। अब स्थिति यह है कि इंडस्ट्री इस समय नुकसान में काम कर रही है और इंडस्ट्री की डिमांड ये है कि वो कम से कम 10-25% प्राइस बढ़ाना चाहती है। उसके बिना अगर 25% प्राइस ना बढ़े उसके, तो इंडस्ट्री नुकसान में काम करती रहेगी और अब बहुत दिनों तक इंडस्ट्री नुकसान में काम नहीं कर सकती। इसीलिए ये फैसला लिया गया और 3 दिन तक ये फैसला लागू रहेगा। 3 दिन के बाद अगर लगेगा कि कस्टमर ने कोऑपरेट नहीं किया या मिलों ने कुछ प्राइस नीचे नहीं किए, तो शायद आगे कुछ कार्रवाई के बारे में दोबारा से हमें बैठकर फैसला लेना पड़ेगा। सर, इसमें सर पड़ोसी राज्य के गत्ता उद्योग भी आज शामिल हैं? आज केवल हिमाचल के उद्यमी ही इस जगह शामिल हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्यों की अलग अलग डेट में हड़ताल है। जैसे यूपी वाले अलग कर रहे हैं, हिमाचल के अलग कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब अलग कर रहा है और गुजरात अलग कर रहा है। सर, एक आपने कहा था कि केंद्र, जो यहाँ पे केंद्र सरकार से मांग थी कि जो चाइना को जो माल जा रहा है उसको बंद किया जाए, तो सर आपको ये नहीं लगता है कि जो महामारी के दौरान में जो एक मेन विक्टिम रहा है चाइना, उसी को जो है सप्लाई दी जा रही है, उसके बारे में आपका क्या? ये सरकार की सोच बहुत गलत है कि उन्होंने अपनी स्थानीय डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों को आज सड़क पर ला दिया है, नुकसान में ला दिया है। और एक चाइना जो हमारा कंपटीटर है इंडिया का और जो तरह तरह की नीतियाँ निर्धारण करता है अन्य बड़े छोटे देशों को बर्बाद करने के लिए, उनकी इंडस्ट्री को चलाने, उनकी इंडस्ट्री चल रही है और हमारी इंडस्ट्री बंद है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम चाइना को पहले माल दें या पहले अपनी इंडस्ट्री को माल दें। इस विषय में हमारी 3-4 दिन बाद अभी दिल्ली के अंदर एक 4-5 स्टेट की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार को के लिए हमने आयोजित की है, जिसमें हम सरकार को जगाएंगे कि भाई ये स्थानीय इंडस्ट्री बंद ना करो, इनको चलाओ,